गोपालगंज उत्पाद विभाग की टीम को बलथरी चेक पोस्ट के समीप NH 27 से वाहन जांच के दौरान बड़ी सफलता मिली है। जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक सेंट्रो कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने भाग रहे एक लग्जरी कार का पीछा कर 50 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है, जबकि मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेंट्रो कार से गिरफ्तार शराब तस्कर मोतिहारी के अभय कुमार और रंजीत कुमार हैं। वहीं लग्जरी कार से गिरफ्तार तस्कर संदीप कुमार हरियाणा के रहने वाले हैं, जबकि जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए के आसपास आंकी गई है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इस बरसात के मौसम में भी उत्पाद विभाग की टीम लगातार बलथरी चेक पोस्ट पर सभी वाहनों की तलाशी अभियान में जुटी है। उन्होंने बताया कि जिला टीम के द्वारा जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने जानकारी दी कि पिछले एक सप्ताह में विदेशी शराब के साथ अब तक 5 कार और एक बाइक की बरामदगी की गई, जबकि 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बहरहाल रविवार को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार 3 तस्करों से पूछताछ कर जेल भेज दिया है। चेक पोस्ट पे लगातार जांच चल रहा है और जिला की टीम भी बॉर्डर पे जाके छापामारी करती है, तो पिछले एक सप्ताह में लगभग 5 कार जो है वो जब्त किया गया है, एक मोटरसाइकिल भी है और उसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी है और शराब भी सभी कार में भरा हुआ था। एक गाड़ी जो कल पकड़ा गया है उसमें 50 कार्टन था, वो हरियाणा से आ रहा था, कुछ यूपी से लोग शराब लेके आ रहे हैं, बाकी यूपी का गाड़ी सब है, तो हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।